Hey everyone, welcome back to the new video. My name is Gaurav and you are watching Traders Hub. आज मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये नहीं बोलूंगा कि यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फ्री ग्रुप में आना है तो ये करो, पेड में आना है तो ये करो, क्योंकि मैं खुद ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका हूँ मेंटली कल की वजह से, और ये वीडियो उसी दुख को व्यक्त करने के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, प्योर हिंदी, उसी दुख को बताने के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि कल ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग तो हुआ क्या था कि कल मेरा बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ हो गया, और एक्चुअली इतना बड़ा लॉस मैंने कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में ट्रेडिंग में, जो मेरा कल हो गया था। क्योंकि पिछले 7 से 8 महीने से जब मैं पर्सनली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक भी दिन मैंने लॉस नहीं किया, ठीक है। अगर किया है तो मैंने वो रिकवरी किया है उसी दिन, अगर कर भी लिया तो अगले दिन रिकवरी मार ली, स्टिल एक भी दिन लॉस नहीं किया। अपने ग्रुप में चला रहा हूँ पिछले 4 महीने से, 4 महीने से एक भी दिन लॉस नहीं हुआ, ठीक है। कल एक ऐसा दिन आया जब कल लॉस हो गया और मेरा भी लाइव लॉस हो गया। आपने कल परसों मुझे देखा होगा, मैं लीडर बोर्ड पे भी था, $4,000 समथिंग में मैं था, पर कल पता नहीं क्या हुआ। देखो, मैं तुम्हें वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे सिंपति दो या फिर तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इतना ट्रेडर बनने के बाद भी, इतना टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना रेवेन्यू निकाल चुका हूँ, स्टिल ऐसे दिन देखने पड़ते हैं कि हमें लॉस हो जाते हैं, और बड़े लॉस होते हैं। जबकि मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस लगाओ डेली टारगेट के लिए, डेली लॉस टारगेट लगाओ, स्टिल लॉस होता है। कोई कहता है ना कि मेरी साइकोलॉजी एकदम स्टेबल है, परफेक्ट, झूठ कह रहा है, नहीं होती। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो किसी भी फील्ड में, वो जिंदगी में एक बार ऐसा टाइम आता है कि उसकी बहुत बुरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है यार। तो क्योंकि ना साइकोलॉजी ऐसी चीज है, जैसे कि हम रोज प्रॉफिट कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो ना वो कहीं ना कहीं ना वो दबा हुआ रहता है, वो थोड़ा थोड़ा जमा होता है। क्योंकि हम ना साइकोलॉजी के दौरान क्या होता है, हम खुद से लड़ रहे होते हैं, ठीक है, कि लॉस नहीं करेंगे, रिकवरी करेंगे, बहुत लोड पड़ता है दिमाग में, तो वो चीज ना जमा होती है थोड़ी 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 थोड़ी। जैसे हम कभी किसी को चिढ़ाया तो वो एक बार सहन करता है, दो बार करता है, तो उसके अंदर जमा होता है, होता है, एक दिन बम फट जाता है भाई, वो तुम्हें पीट देगा सामने वाला। तो साइकोलॉजी भी ना थोड़ी थोड़ी जमा हो रही होती है, एक ही दिन वो ना बम जैसे फटता है वो, और तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तो कल मेरा लगभग $5,500 का नुकसान हुआ लाइव ट्रेडिंग, जिंदगी में पहली बार लाइव ट्रेड कर रहा था मेंबर्स के साथ। और लोग तो तुम्हें कभी सच बताएंगे नहीं प्रॉफिट लॉस का, मैं बताता हूँ, कल वीआईपी ग्रुप में भी लॉस हुआ, ठीक है। तो अब क्या है कि बंदे बहुत अच्छे हैं, बंदे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव है कि भाई आप इतने टाइम से हमारा रोज प्रॉफिट करवा रहे हो, एक दिन लॉस हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे रिकवरी, और आई नो मैं करवा दूंगा, एक दो तीन दिन जो भी लगेंगे मैं करवा दूंगा, बड़ा लॉस है तो 1 हफ्ते में करवा दूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है तो 1 महीने में करवा दूंगा, पता है करवा दूंगा। बंदे कह रहे थे भाई इतने टाइम से प्रॉफिट करवा रहे हो, एक दिन चलता है, पर मुझे सहन नहीं हुआ भाई। क्योंकि तुम में से किसी एक बंदे का भी नुकसान हो जाता है ना किसी दिन, तो मुझे अब कोई मैसेज करता है कि भाई मैंने खुद से लॉस कर लिया, या मैंने सिग्नल गलत रीड करे लॉस हो गया, तो मेरा चैन हराम हो जाता है बिल्कुल भी, मैं रह नहीं पाता। क्योंकि मुझसे ना फालतू दुख नहीं देखा जाता। मैं तुम्हें पुरानी वीडियो से बोला कि मुझे घर भर की बातें मत बताया करो, मेरे पे टाइम नहीं है, ठीक है। रीजन ये है कि मैं सहन नहीं कर पाता, जब कोई मुझे बताता है ना मेरी मम्मी के साथ ये दिक्कत है, पापा बीमार है, तो मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता, तो मैं ना, मेरा बहुत छोटा सा जिक्र है, ठीक है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज कि किसी का कुछ बीमार चल रहा है, कुछ खराब, फाइनेंशियली खराब है, कोई अपने घर की वीडियो दिखा रहे हैं, झोपड़ी में रह रहा है बंदा, तो मैं, मुझसे सहन नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसे वीडियोस या फिर मैसेज मत किया करो फालतू के कि ये ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है, मैं सोचता रह जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद से भी रिलेट कर लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि चलो मैंने तो कर लिया जो करना था, ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा, रिकवरी करेगा नहीं करेगा, वैसी प्रॉब्लम चल रही है पैसों की, और इसने जो है 1-2 लाख लॉस कर दिए, तो चीज फील होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये मैसेज मत किया करो। तो कल ऐसा हुआ, ठीक है, बाकियों का रिकवरी करवा देंगे, बट कल जो एक दिन गया था ना, तो मुझे बहुत चुभा हूँ, कल रात से मैं सोया नहीं हूँ, आपको आंखों में साफ दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो मेरा हो गया, ठीक है, पर ग्रुप मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत हिट हुआ कल उस चीज को लेके। और देखो क्या होता है, जब हम लॉस करते हैं तो हमें रिकवरी चाहिए होती है फास्ट। उसके बाद मैंने सुबह सुबह $500 डाले, कंपाउंडिंग कर रहा था। जब देखो क्या होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैंने लॉस किया है खुद के नियम तोड़ के किया है। मेरा नियम क्या था, अगर बड़ा लॉस होगा तो 1 से 1.5 हफ्ते का ब्रेक लो, 10 दिन का ब्रेक लो। मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैंने आज सुबह फिर $500 डाले, ठीक है, कंपाउंडिंग कर रहा था 10 से। मैंने बोला वीडियो भी बन जाएगी, कंपाउंडिंग करते हैं, करी कंपाउंडिंग, गई कंपाउंडिंग बड़ी, $2,000 पहुंचा, $3,500 पहुंचा, लास्ट में लॉस हो गई। और ऐसे 10-10 करते करते आज मेरे $500 भी साफ हो गए, कंपाउंडिंग आज मेरी फेल हो गई सारी। तो दोनों दिखेगा तुम्हें साइड में, दोनों स्क्रीनशॉट क्या सीन था,
$5,500 का लॉस पहले, ठीक है, 500 का आज, 5-6 लाख रुपए साफ हो गए। तो मैं पहले भी कह रहा था कि जो मेरा हाउस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऐसे टाइम पे मैं बड़े रिस्क नहीं ले रहा आजकल, मैंने कहा था आप लोगों को। तो मैंने वो भी अपना नियम तोड़ा, मैंने बड़ा रिस्क ले लिया। लगभग 5 लाख 5.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। अगर तुम समझो इस बात को, अगर तुम्हारा घर बन रहा हो तो मैं और भी काम करने हैं, काफी पैसे इधर उधर देने हैं और तुम्हें 5-6 लाख का लॉस हो जाए, वो पैसा अगर बचा रहता तो काम ही तो आता, ये चीज दिमाग में आती है। तो मेरा यही हुआ, मैंने बहुत सोचा कि यार काश मैं ट्रेड नहीं लेता वो वाली, काश नहीं लेता, काश कंपाउंडिंग नहीं करता, वो पैसा किसी काम ही तो आता। तो वो चीज बहुत लगी, बहुत कल से बहुत ऐसी मेंटालिटी डिस्टर्ब है, इसलिए मैंने सुबह से फिर ट्रेड भी नहीं किया। वो हारा $500 फिर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद ट्रेड नहीं किया। और अब मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, ठीक है। मैंने अपने नियम जब भी तोड़े मैंने लॉस किया। मैंने कल नियम तोड़े दो, पहला मैं रुका नहीं, ठीक है, पहली चीज है कि मैं रुका नहीं। दूसरी चीज, मेंटालिटी खराब होने पे भी मैंने ट्रेड किया, तो बहुत गलत हुआ। आप भी अपने नियम बनाते हो ना तो भाई टिका करो। आप लोगों को भी पता होगा जब भी आपने नियमों पे काम किया आप लोगों ने प्रॉफिट किया है, और एक ही दिन में लॉस क्यों हुआ, साइकोलॉजी की वजह से। तो मेरे साथ भी यही हुआ, बहुत टाइम से नॉन स्टॉप प्रॉफिट चल रहा था, हर दिन दिमाग पे जोर डाल रहा था, कंपाउंडिंग चल रही थी, वो सब चीजें मन में जमा हो रही थी। आज अचानक से फटा, कल और आज लॉस हो गया सारा, वरना एक दिन लॉस में नहीं निकाला। तो अब क्या होगा, मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, ठीक है। और अगर किसी का कल लॉस हुआ, मेरे वीआईपी मेंबर का जो भी हुआ, ठीक है, $20-30 जो भी, क्योंकि इतने बंदे इतने इन्वेस्ट करते हैं, वो मैं रिकवरी करवा दूंगा, ये तो आप सबको पता है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। एक दिन खराब है सब थोड़ी होंगे, अब मेरा सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाएगा 5-6 लाख के पीछे। रिकवरी करूंगा जैसे भी हो, और जब रिकवरी करूंगा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सामने दिखेगा लीडर बोर्ड पर नाम दिखेगा कि इसने रिकवरी मार ली। जिस दिन मेरा नाम निकल लीडर बोर्ड पे, समझो इस बंदे ने रिकवरी मार ली, मारूंगा रिकवरी। और ये मैं चाहता हूँ कि जज्बा तुम्हारे अंदर हो, ठीक है। जैसे मेरी लॉस हुआ है तो मेरे अंदर थोड़ा सा भी खराब है, मेरी फीलिंग बहुत ज्यादा खराब है। और तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैंने इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है, हमारे यहाँ ज्यादा ठंड नहीं है, स्टिल मुझे ना ठंड सी लग रही है, मैं कांप सा रहा हूँ कल से, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यार। देख, लोग करते हैं लॉस, ठीक है, 10-15 लाख करते हैं, पर मेरा एक दिन में 6 लाख साफ हो गया यार, साफ। मैंने घर में भी नहीं बताया, शायद वो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए कल खाया भी नहीं, मतलब घर वालों को पता चल गया कुछ हुआ है, पंगा वंगा, मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने नहीं बताया, क्योंकि फिर वो भी थोड़ा सा उसमें आ जाते। तो ये सब चल रहा है लाइफ में, तो देखो यार ऐसा होता है, तो मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। अगर हम इतना बड़ा कमा रहे हैं तो इतना बड़ा गंवाने का दम भी होना चाहिए। पर मैं इतने बड़े लॉस के लिए मेंटेलिटी प्रिपेयर नहीं था, ठीक है, दिमागी रूप से मुझे नहीं था। अब रखूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया मैं इतना लॉस कर दिया, मैंने एक बार कर चुका हूं, तो आगे से अगर लॉस होगा तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आज क्यों पड़ा, क्योंकि वही अपना लॉस तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ा, वो तो मैं तुरंत ही भूल गया था 1-2 घंटे में, चलो मैं शांत हो गया था। जो ग्रुप मेंबर्स को हुआ ना, क्योंकि यार 4 महीने से आज पहली बार हुआ कि लॉस हुआ, नहीं तो इतने बुरे दिन देखे मैंने मार्केट का, खत्म से खत्म कंडीशन में मैंने या तो ब्रेक इवन करवाया, जहां पे हम थे वहीं वापस लेके आया मैं कि लॉस ना हो, या तो 2-3% प्रॉफिट करवाया कैपिटल पे, नहीं तो प्रॉफिट ही करवाया था आज तक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मात खा गया, कल थोड़ा सा लॉस का दिन था, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई नहीं बताता ऐसा होता है, मैं बताता हूँ कल हुआ था, अब नहीं होगा, ठीक है, अभी मारेंगे रिकवरी, ओके, मारेंगे रिकवरी। थोड़ा वेट करूंगा, शांत करूंगा खुद को, रिकवरी मारूंगा और दोबारा से जो है अपने नक्शे कदमों पर चलेंगे, क्योंकि खुद ही के नक्शे कदमों पर चलना है, खुद ही से सीखा है वही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि भाई ऐसा होता है, और आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपको भी ऐसा फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ। तो 10-20-30-40 डॉलर 50-100-500 डॉलर को लेके इतना हाइपर मत हुआ करो, कुछ हो गया यहाँ तो भाई सब कुछ उड़ गया, ओके। तो अब मैं थोड़ा कुछ दिनों में थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करूंगा, शांत करूंगा, फिर रिकवरी मारूंगा, और बस ऐसी प्यार बनाए रखें यार, ओके। तो यही बोलना था वीडियो में, और कुछ था नहीं मेरे पास, अब जो है रिकवरी करूंगा तभी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, यही है, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना ग्रो करवा रहे हो, थैंक यू सो मच।